एवरीवन, नमस्ते, केम छो। मैं हूँ डॉली और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? तो आज आपके लिए मैं फिर से लेके आई हूँ मीशो शॉपिंग हॉल। और इस बार ना मैंने मीशो से परचेस किए है बहुत सारे छोटे छोटे पर्सेस है, क्लचेस है। जैसे कि अब आगे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, मैरिज सीजन शुरू होने वाले हैं, तो उस हिसाब से ना मैंने बहुत सारे क्लचेस और छोटे छोटे पर्सेस परचेस किए हैं जो कि हम साड़ी के साथ, सूट के साथ कैरी कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर है ये सारे ही। और बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी क्लचेस और पर्स है वो सारे ही मतलब कि 270 रुपीज़ के अंदर के हैं। तो अंडर 270 रुपीज़ के ये सारे ही जो क्लचेस और पर्चेस है और बहुत ही सुंदर से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इतने सारे मैंने क्लचेस और छोटे छोटे पर्सेस परचेस किए हैं पार्टी के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद ना उसके बाजू में छोटा सा बेल का आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर से सिलेक्ट करना, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरे जो वीडियोज़ हैं वो मिस ना करो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और एक चीज़, अगर आपने अभी तक मीशो डाउनलोड नहीं किया है ना, तो मीशो का लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए और मीशो को डाउनलोड करिए। और अगर आप मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करते हो ना, तो आपको आपके फर्स्ट इनिशियल ऑर्डर पे 30% या फिर 100 रुपीज़ तक का ऑफ मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी सी डील मिलेगी आपको। फर्स्ट वाला जो है ना, ये कुछ इस तरीके का मैंने पर्स ऑर्डर किया है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये जो है बांधनी प्रिंट में है और इसको मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये देखिए, गोटा पट्टी से यहाँ पे वर्क किया हुआ है, यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है इस तरीके से। और इसमें ना काफ़ी सारे कलर्स थे, तो इसके सारे कलर्स बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने ये वाला कलर जो है परचेस किया है। आप मीशो में जाके देख सकते हो। और ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है यहाँ पे, और अंदर ये देखिए कुछ इस तरीके का है ये। तो काफ़ी स्पेशियस है, इसमें हमारा एक मोबाइल और रुमाल और घर की चाबी है, कुछ पैसे इतना इजीली आ सकता है। वैसे हम पार्टी में जाते हैं तो इतना ही इम्पोर्टेंट जो सामान है वो अंदर डालते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये मुझे फर्स्ट वाला पर्स लगा, तो बहुत ही सुंदर सा पर्स है। और इसका जो प्राइस है ना, वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। तो ये वाला है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। अब को ना मैं आपको जूम करके बताती हूँ अच्छे से वीडियो लेकर, कि किस तरीके से ना ये सुंदर सा पर्स दिख रहा है। पूछा था कि रेफरल कोड कैसे एंटर करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप ना मीशो पहले डाउनलोड कर लीजिए मेरे लिंक से। और डाउनलोड करने के बाद ना आपको एक राइट साइड में अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, उसे आप क्लिक करिए। उसे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और उसमें से ना एक ऑप्शन होगा आपको ऐड रेफरल कोड का। तो ये वाला ऑप्शन ना, अगर आप पहली बार मीशो डाउनलोड कर रहे हो तो ये आपको मिलेगा, नहीं तो फिर ऑलरेडी अगर आपके पास मीशो डाउनलोडेड है ना, तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हो ना, तो आपको अकाउंट सेक्शन में एक ऐड रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए और वहाँ पे मेरा रेफरल कोड एंटर करिए, तो और भी अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मीशो में लिंक नहीं रहती है, प्रोडक्ट कोड रहते हैं। तो प्रोडक्ट कोड, जो भी सारे प्रोडक्ट्स है ना मैं आपको बता रही हूँ आज, उन सभी के ना मैंने कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। बस आपको वहाँ से जो भी आपको पर्स पसंद आ रही है उसका प्रोडक्ट कोड लिखना है सर्च बार में जाके, या फिर ना आप फोटो जो है वो स्नैपशॉट खींच लिए और फोटो से भी आप सर्च कर सकते हो। अब मैं आपको ना सेकेंड वाला जो प्रोडक्ट है, जो पर्स है, वो बताती हूँ। तो सेकंड ना कुछ इस तरीके की पैकिंग में आया था, क्योंकि इसका ना कॉम्बो था, तो मैं आपको बताती हूँ फटाफट से। ये देखिए, ये तीन इस तरीके से छोटी छोटी पर्स का सेट है। तो इसमें ना काफ़ी सारे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के सेट बने हुए थे, तो मैंने ये वाला बुलवाया। और इसमें तीन का सेट था, 6 का सेट था, 12 का सेट था, तो आप अपने अकॉर्डिंग बुला सकते हो। इसका जो एक्चुअल यूज़ है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अब आने वाली है दिवाली, या फिर अब शादियों का जो सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग एनवलप में डाल के पैसे या कुछ शगुन देते हैं,
तो उसके लिए ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तरीके से आप देख सकते हो इतनी छोटी छोटी सी ना ये पर्सेस है, जैसे कि हम एनवलप देते हैं बस वही इसका जो साइज़ है वो है, और अंदर से ये कुछ इस तरीके से है। ये देखिए तो अंदर से ना ये वेलवेट का कपड़ा है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है इसका, और यहाँ पे इस तरीके से लेस लगाई हुई है, और बांधनी प्रिंट का ना ये जो है ये कपड़ा है बांधने का, वो जो है उससे पूरी बनाई हुई है ये पर्स। तो इसको ना हम अंदर में इसमें एनवेलप की जगह अगर आप इस तरीके की पर्स में कुछ शगुन डाल के दोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा उन्हें भी, और ये दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए इस तरीके से। तो मुझे ये वाले जो कॉम्बो है ना वो बहुत पसंद आया। तो ये देखिए ये इसमें मैंने येलो कलर परचेस किया है, और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, रीजनेबल बजट के हैं ये। ये देखिए ये इस तरीके से ना ग्रीन लहरिया प्रिंट में है, ये पूरा कपड़ा है। तो इसे देने के बाद एनवलप में अगर हम डाल के इसमें अगर एज ए एनवलप इसे अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो देने के बाद भी ना वो इसे और भी यूज़ कर सकते हैं एज अ पर्स। तो बहुत ही सुंदर मुझे ये लगा, और अगर आपको खुद के लिए भी चाहिए एज अ छोटी छोटी पर्स, जैसे कि कितने सारे हमारे पास ड्रेसेस रहते हैं साड़ियाँ रहती है, तो सभी के मैचिंग की आप ये ले सकते हो, क्योंकि बजट जो है इसका बहुत ही रीजनेबल ही है। देखिए ये रेड कलर की है, तो मुझे बहुत ही सुंदर लगे ये वाले कॉम्बो। ये तीन का कॉम्बो मैंने परचेस किया, इसमें 12 का है, 6 का है, और बहुत सारे हैं, आप जाके चेक करिए। इसका जो प्राइस है मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। तो इस तरीके से ये है सेकंड प्रोडक्ट हमारा। अब जाते हैं थर्ड प्रोडक्ट की तरफ। तो थर्ड वाला ना आपको पहले ये वाला बताती हूँ। ये देखिए थर्ड वाला जो है इस तरीके से ना गोल्डन कलर की पर्स मैंने ली है, मुझे गोल्डन कलर की पर्स अच्छी लगती है। तो मैंने ये देखिए चिमचिम हो रही है इस तरीके से ना गोल्डन कलर की क्लच लिया है मैंने, या पर्स बोल सकते हो आप इसके, छोटा सा है और बहुत ही सुंदर है। इस तरीके से ये ओपन होता है, इसमें अंदर ये देखिए पेपर भरा हुआ है। तो पेपर निकालने के बाद इस तरीके से इसका अंदर का मटेरियल जो है वो है प्लास्टिक का मटेरियल है अंदर में लगाया हुआ है, और एक चेन भी है इसमें अंदर दी हुई है छुपी हुई चेन, और इसमें इस तरीके से जो है ये चेन दी हुई है पूरी ही। तो इसे हमें करना है बंद, और इस तरीके से ये देखिए ये आप इसे हैंग कर सकते हो। तो काफ़ी सुंदर सी ये वाली पर्स मुझे लगी। अगर आप रिसेप्शन में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, दिवाली में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो ना, तो ऐसे गोल्डन पर्स तो हमारे पास रहनी चाहिए। कोई भी कलर का अगर हम ड्रेस पहनते हैं ना तो गोल्डन जो है वो मैच कर लेता है। तो इस तरीके से ये वाली गोल्डन पर्स है, बहुत ही सुंदर सी है। चलो इसका मैं आपको ना पास से क्विक व्यू बताती हूँ कि कैसा है ये इसका लुक। अब जाते हैं हम लोग हमारे फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ, पर्स की तरफ, क्लच की तरफ। तो फोर्थ वाला जो है ना वो इस डिब्बे में आया था, इस तरीके की ब्लैक वाला क्लच मैंने ऑर्डर किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला क्लच। तो इसमें ना इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ना मोती लगे हुए हैं, लंबे लंबे जो आते हैं ना वो वाले मोती लगे हैं, और पीछे में प्लेन है, और ये फ्रंट है इसका, और यहाँ पे इस तरीके से जिप दी हुई है। तो ये जिप को जो है ओपन करना है, जिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और इसमें अंदर भरे हुए हैं पेपर, तो वो मैं आपको निकाल के बताती हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी आप पर्स यूज़ करो ना तो यूज़ करने के बाद फिर से उसमें ये वाले
जो पेपर है वो भर के रख दीजिए। इससे क्या होता है, पर्स का जो शेप है ना वो बिगड़ता नहीं है, अच्छा रहता है। ना तो हम अगर ऐसे ही रख देंगे और इसमें कुछ वजन आ गया या कुछ दब गया ना, तो इसका पूरा जो शेप है वो गया काम से। तो इसको फिर से पेपर इसमें भर लीजिए यूज करने के बाद, और इसको अच्छी तरीके से रख लीजिए। और ये देखिए इसके साथ इस तरीके से चेन आई है, तो इस चेन को ना लगाना है हमें, मैं आपको लगा के बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ना मैंने इसमें चेन जो है वो लगा ली है, इस तरीके से एक आगे में और एक पीछे में ऐसे इस तरीके से लगाना है। और ना इसके अंदर का जो फैब्रिक है वो कपड़ा है अंदर में, मतलब वाटरप्रूफ ही लग रहा है मुझे। और एक यहाँ पे जो है एक पैकेट भी दिया हुआ है, अलग से पॉकेट दिया हुआ है यहाँ पे, तो छोटा मोटा कुछ मतलब पैसे रख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ज़्यादा तो स्पेस नहीं है। और अंदर में काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, इस तरीके से है जैसे कि आप इसका रेक्टेंगल शेप देख रहे हो। और ये हो गई चेन हमारी बंद, और पीछे से है प्लेन। तो ये वाला क्लच ब्लैक कलर का बहुत ही सुंदर लगा, ये ना वेस्टर्न ड्रेस में भी हम पहन सकते हैं और इंडियन में भी इसे ले सकते हैं, सूट पे भी ले सकते हैं, जीन्स पे भी ले सकते हैं। तो ये वाला मुझे बहुत सुंदर लगा, और इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स थे। और ये देखिए ये वाला ना मैंने जैसे कि ये इस तरीके से लंबे लंबे जो मोती है वो वाला लिया है ना, तो इसमें ना सीक्वेंस वाले भी थे, तो मैंने ये वाला परचेस किया। बाकी इसमें आप मीशो में सर्च कर सकते हो, इसका कोड मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका प्राइस जो है वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी इतने सारे प्रोडक्ट बता रही हूँ ना, मुझे प्राइस जो है वो याद नहीं है, तो मैं स्क्रीन में इसका प्राइस लगा दूंगी। और अब जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लच की तरफ। तो नेक्स्ट वाला भी बहुत ही सुंदर वाला क्लच है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ना बबल रैप करके ये इस तरीके के पैकेट में आया था, तो बहुत ही सेफ तरीके से ये रिसीव हुआ है। और इसका लुक देखिए आप कितना सुंदर है ना, और यहाँ पे इस तरीके से एक बड़ा सा ब्रॉच या मोती आप बोल सकते हो लगा हुआ है। और ये देखिए कितना सुंदर सा क्लच है ये मैंने ग्रीन कलर में ऑर्डर किया, इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, आप मीशो में चेक करिए। और इसको बस थोड़ा सा ना ऊपर खींचना है इसको, और फिर इस तरीके से ये खुल जाएगा। और अंदर भी पूरा गोल्डन कलर का जो कपड़ा है ना शिमर वाला वो लगा हुआ है, और इसके साथ आई हुई है ये वाली चेन। तो इस चेन को अगर आपको यूज़ करना है तो आप चेन लगा के यूज़ करिए, या फिर आप इसे अंदर डाल लीजिए और एज अ क्लच हाथ में पकड़ के यूज़ करिए। तो आप इसको अलग अलग तरीके से ना यूज़ कर सकते हो। तो जो प्राइस है वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, और इसका कोड जो है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और ये देखिए इस तरीके से चेन है, चेन लगानी है यहाँ पे, और इसे आप हैंग भी कर सकते हो और ऐसे इस तरीके से हाथ में पकड़ भी सकते हो। तो ये वाला क्लच भी मुझे बहुत सुंदर लगा, ये देखिए कितना सुंदर है पूरा ना, इसमें गोल्डन कलर की जो लेस है और सीक्वेंस है उससे वर्क किया हुआ है। और मेन बात कि प्राइस इसका बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है, पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करना। और भी ना मैं आगे अभी बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ, मैंने होम डेकोर भी परचेस किया मीशो का, तो शायद से नेक्स्ट वीडियो जो है वो होम डेकोर पे रहेगा। मतलब कि जैसे कि दिवाली हाली आ रही है, तो फेस्टिवल के हिसाब से ना मैंने कुछ जो मुझे लग रहा था कि मुझे चीज़ें चाहिए वो मैंने परचेस की है। तो कनेक्ट रहे मेरे चैनल में, कनेक्टेड रहिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।